कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार किया गया कि कांग्रेस दिख ही नहीं रही है। ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस पूरी तरह कैंपेन कर रही है। पांचों रैली बहुत शानदार हुई है हमारी, लोगों में शानदार रेस्पॉन्स है। और आप देखेंगे कि आप पार्टी जिस प्रकार से झूठ का सारा लेकर के जिन्होंने प्रचार किया, अब उनकी हवा निकलती जा रही है। उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद और उनकी हवा निकल गई है। प्रचार के माध्यम से वो राजनीति कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। दिल्ली में हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। दिल्ली का प्रदूषण जो है भयंकर, लोगों में आक्रोश है वहाँ पे। पंजाब गवर्नमेंट भी फेल हो चुकी है। और केजरीवाल जी मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से अपना प्रचार कर रहे हैं, अब उसमें भी कम होता जा रहा हूँ। अभी उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद और भी हालत खराब हो गई है। नीचे के ये छोड़ो यार, गांव के अंदर शहरों में लोग मोदी जी के अमित शाह जी के राज्य के अंदर 27 साल में जो शासन चला, मोदी की घटना ने पोल खोल दी। मोदी घटना के बावजूद भी अभी तक भी उन्होंने इंक्वायरी नहीं बिठाई है। अब हाईकोर्ट ने लिया, संज्ञान लिया है। मैं कहना चाहूँगा, मांग करूँगा केंद्र सरकार से, अभी वक्त है आपको हाईकोर्ट के रिटायर्ड जो हाईकोर्ट का कोई दिक्कत नहीं है, निष्पक्ष जांच के लिए आपको कमेटी बनाना चाहिए, जिससे कि जो परिवार यहाँ पर घटनाएं हुई है, आम जनता का न्याय हो सके, ये मेरा मानना है। उनको न्याय मिले सुनिश्चित करें, इंक्वायरी होना बहुत आवश्यक है। ये परंपरा गलत है गुजरात के अंदर, इतनी बड़ी घटना हो जाए, जितने लोग मर गए शराब के नशे में, बना करके कितने हुए। अगर आप इंक्वायरी बढ़ाते हो तो अधिकारियों में भय पैदा होता है, आगे घटना नहीं हो उसके लिए ध्यान दिया जाता है, तमाम बातें आपकी विलुप्त हो जाती है। मेरा मानना है कि इसमें आगे आना चाहिए सरकार को और कमीशन बैठाना चाहिए। परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री था तो पहली बार मैंने देश के अंदर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी मैंने पाचार किया था EWS के लिए। कोई प्रस्ताव बाद में कारोबार कोई कमेटी बनती गई आखिर में संविधान में संशोधन हो गया। हम इस स्वागत करते हैं, गरीबों को न्याय मिलेगा और इसमें मैं समझता हूँ मुझे याद है अन्य पार्टी हो उनको भी एतराज नहीं है। मैंने मायावती भी कहा कि समय पूछना था एक बार, उन्होंने भी कहा था टाइम बदल गया, टाइम के साथ बदलना चाहिए। गरीब आदमी किसी कौम का हो उसको न्याय मिले, ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं स्वागत करता हूँ। आजादी की पहले भी गुजरात बना हुआ था, मजबूत था, उद्योग धंधे थे, मजबूत राज्य गुजरात ही था। और 27 साल के कुछ शासन है, पोल खोल भी आपके कोरोना के नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।